स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए जाने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बुधवार को सीएससी पिपरौली बांसगांव और पीएससी कौड़ीराम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों पर दिए गए पैरामीटर की जांच की गई, जिसके तहत सीएससी बांसगांव में काफी कमियां पाई गई। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी ने सीएससी के प्रभारी को निर्देशित करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी ने सीएससी पिपरौली और कौड़ीराम का भी निरीक्षण किया तथा कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। इसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बांसगांव सीएससी पर काफी कमियां पाई गई हैं। इसको दूर करने के लिए वहां के प्रभारी को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी ने सभी सीएससी पीएससी केंद्रों पर प्रभारी चिकित्सकों को निर्देश दिए हैं कि वे सीरियस मरीजों को ही अन्य अस्पतालों में रेफर करें, जिससे मरीजों का उपचार बेहतर तरीके से किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, वही अंदर वाला सर बाकी है, अभी तो पेमेंट पेड़ करा हो ना, सर करा दे रहा हूँ, पेमेंट सर डिले करा सी एच सी पिपरौली और सी एच सी बांसगांव और पी एच सी कौड़ीराम का निरीक्षण किया गया और उसमें अलग अलग पैरामीटर्स पे उसको देखा गया है और अलग अलग रिपोर्ट्स बना के डी एम सर को प्रेषित भी कर दी जाएगी। और इसमें मुख्यतः जो चीज़ें देख पाई गई है, जैसे सी एच सी बांसगांव में अभी भी उसमें रिपेयर का काम काफ़ी बाकी है। पुराने भवन जो ध्वस्त किए जाने थे वो अभी भी उसमें हैं और इसके अलावा जो कैंपस में घास उगी हुई है उस पर कमेंट किया गया है। और सी एच सी बांसगांव में ही 300 का GSY जो योजना के अंतर्गत भुगतान है वो पेंडिंग पाया गया है। और इसके अलावा जो बिजली की वहाँ पे व्यवस्था है उसमें भी कमी पाई गई है, तारे जगह जगह ही, साफ़ सफाई पे भी कमी है बांसगांव में। और पिपरौली में भी काम चल रहा है, पेंटिंग हो रही है, इन जो पिछली इंस्पेक्शन हुई थी उसमें इम्प्रूवमेंट पाई गई है। और जो पीएचसी हमारे कौड़ीराम है, कौड़ीराम में लेबर रूम की दोबारा रिपेयर के लिए मेरे द्वारा रिकमेंड किया गया है। लेबर रूम वहाँ छोटा है और उसमें बगल में एक भवन है, उसके ध्वस्तीकरण की परमिशन लेकर वहाँ पर उसको बड़े स्केल पर बनाने के लिए कहा गया है। बेडों में क्या स्थिति है अस्पताल में? किसमें? बेड की, बेड बेड में जो है, जैसे अभी ऑक्सीजन प्लांट इसमें रेडी है, इसमें जो बांसगांव वाला है, और उसके सापेक्ष जो 30 बेड लग रहे हैं वो पाए गए हैं। और पिपरौली में पीकू भी फंक्शनल पूरा है और अच्छा है, मेरे पास फोटोग्राफ भी है और वहाँ डॉक्टर भी है। और उसमें अभी उन्होंने जेई के जो एक पेशेंट थे पिछले एक महीने में आए थे, उसका भी ट्रीटमेंट किया है। तो बेड जो जितने निर्धारित सीमा है उसके सापेक्ष सारे बेड पाए हैं। खुद निर्देशित किए वहाँ के जो प्रभारी, जो निर्देशित किया गया है वही, उसमें ये किया गया है कि आप अपना जो जो लोगों से जो अपने पैरामीटर उसको सही करने के लिए एक टाइम फ्रेम दिया गया है एक हफ्ते का। मेरे द्वारा जो आपके चार पैरामीटर हैं, चार पैरामीटर में सब पैरामीटर्स पे एक रिपोर्ट सबमिट की गई है, उसकी कॉपी उनको भी दी गई है, जिसमें मुख्यतः यही है कि जैसे जो OPD है, IPD है, उसमें जो नंबर बढ़ाने को कहा गया है, कोई भी पेशेंट को बिल्कुल भी बिना रीज़न के रेफ़र नहीं करना है कहीं भी, अगर वहाँ इलाज संभव है तो वहीं करना है। और ऐसी कोई शिकायत अगर पाई गई तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही सेम केस जो महिलाएं लेबर के लिए आती हैं उसमें भी यही निर्देश दिए गए हैं।